हेलो हाय एंड नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के पकौड़े। तो जैकफ्रूट के पकौड़े बनाने के लिए हमें एक जैकफ्रूट लेना होगा फ्रेश, एंड इसको कट कर लीजिए। कट करने के टाइम इसे बहुत केयरफुली कट कीजिएगा, क्योंकि इसके जो स्किन होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर कटिंग दिस। श्योर आप जब कट कर रहे हैं तो अपने हाथ में ऑयल लगा लें। सो कट करने के बाद इसको पीसेस में रख लीजिए। कटिंग दिस आप इसे बॉयल कर लें एटलीस्ट 30 मिनट के लिए लो हीट में। ओके, जैसे कि यह 95% डन हो जाए। एंड डन होने के बाद आप इसको गर्म पानी से निकाल के ठंडा पानी में कुछ देर के लिए रख लें। ठंडा पानी में कुछ देर रखने के बाद एक्सेस वाटर निकाल लें, अच्छे से स्क्वीज कर लें जैसे कि एक्सेस वाटर निकल जाए कम्प्लीटली। वन बाय वन कीजिए। बाउल में ले लीजिए हमारा स्क्वीज जैकफ्रूट, फिर उसमें ऐड कीजिए मिंट क्लिप्स, देन उसके बाद गार्लिक जिंजर का पेस्ट, ओनली गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, और मैदा डाल लें एटलीस्ट 1 teaspoon मैदा डाल लें और कम्प्लीटली मिक्स कीजिएगा उसको अच्छे से। फिर उसके बाद उसमें राइस फ्लावर ऐड करिए। राइस फ्लावर आप घर पर भी बना सकते हैं, उसको सिंपली ग्राइंड करके चावल को। फिर 1 complete cup हाफ कप होगा, इसमें सोया सॉस ऐड करें, चिली सॉस ऐड करें एंड कम्प्लीटली इसे मिक्स कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं और कुछ लाइक जैसे मस्टर्ड सॉस और एनीथिंग कोई भी सॉस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड हुआ, सॉल्ट एंड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, चॉप ग्रीन चिली एंड फॉर कलर आप थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिलीज भी डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होगा। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लें, 15 से 20 मिनट के लिए रख दें मैरिनेशन को, रेस्ट करने दें। पंद्रह से 20 मिनट के बाद ये रेडी है, इसको हम फ्राई कर सकते हैं। एज आपको पता होगा जैकफ्रूट एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि बहुत हेल्दी होता है। सो नाउ हमने यहाँ पे फ्राई के लिए डाल दिया है जैकफ्रूट को। लो हीट में फ्राई कीजिएगा क्योंकि अंदर के जो होते हैं पार्ट वो बहुत स्लोली पकते हैं। सो प्लीज़ कीप इट इन लो फ्लेम, कम फ्लेम में आप इसको पकाएं। सो इट्स वेरी हेल्दी फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोग इसको सब्स्टिट्यूट जैसे यूज़ करते हैं नॉन वेज के लिए। सो या इट्स वेरी हेल्दी। कई चटपटे एंड हेल्दी डिशेस के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और याद करके वो बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब ये रेडी है, इसे सॉरी निकाल लें, एक्सेस ऑयल निकाल के इसको गरम गरम सर्व करें चटनी के साथ, वेदर दैट इज अ सोया सॉस, चिली सॉस और एनी काइंड ऑफ चटनी आप यूज कर सकते हैं। इट्स लुक्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करें, सजेस्ट करें, कमेंट करें। थैंक यू।